हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, व्यापार का मतलब क्या होता है कि एक चीज का दूसरे व्यक्ति को बेचना या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई भी वस्तु बेचना, उसको क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान ये होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति बेचेगा और दूसरा क्या है, खरीदेगा। अब बेचने को कहते हैं निर्यात और खरीदने को क्या कहते हैं, आयात। जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लाइन देखते रहना। व्यापार दो प्रकार से किया जा सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, दो स्तरों पर किया जाता है ये दोनों। हो गए अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच में, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के बीच में। उसके बाद में जैसे बताया कि विनिमय व्यवस्था क्या होती है। विनिमय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का लेन देन करना, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसको हम वस्तुओं वस्तु विनिमय भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में जैसे कई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय के बाद में क्या है, मुद्रा आ गई। तो उससे क्या हुआ कि मुद्रा के द्वारा चीजों का विनिमय होने लग गया। फिर एक ये वर्ड है, क्या आप जानते हैं, इसमें कई बार क्या पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सैलरी का अर्थ क्या होता है। तो सैलरी का अर्थ ये है कि नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था, लोगों को पता नहीं था। इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था और उस समय ये क्या था, बहुत ज्यादा दुर्लभ और खर्चीला था। मतलब कि इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। धीरे धीरे पता लगा तो उसकी कीमत कम होगी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे पता लगता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास, किस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। तो मेनली ये है कि जितने भी दूर दूर के देश हैं, उनको अपनी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी टाइम लगता था, और जो बाजार है वो भी क्या सीमित थे, और लोग जितना भी उनके पास खाने पीने को चीजें होती थी, वो उतनी ही चीजों पे अपना पैसा लगाते थे और चीजें नहीं खरीदते थे, जैसे आभूषण और महंगे कोई भी कपड़े हुए वो चीजें नहीं खरीदते थे। तो बाद में जैसे रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग जो है वो किसको किससे जोड़ता है, तो रोम को चीन से जोड़ता है, और 6000 किलोमीटर की लंबा मार्ग है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि चीन में बने रेशम को रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। मतलब चीन वाले रेशम देते थे और रोम वालों से बहुमूल्य धातुएं ले लेते थे। तो ये सब चीजें चली थी। उसके बाद में और देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, जिसके बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दास व्यापार। तो दास व्यापार क्या होता है कि 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप उपनिवेशवाद शुरू हुआ। मतलब कि यूरोप के अंदर लोगों ने चीजें बनाना शुरू किया, या हम कह सकते हैं दूसरे देशों से लेना और वहां पे बेचना शुरू कर दिया। तो क्या कहा गया, दास व्यापार कहा गया। मेनली तो यही है, ये जो लाइन लिखी है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई भी इजी तरीका नहीं है। ठीक है, के बाद में क्या हुआ, इसके बीच में यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि एक गेट संस्था है। ठीक है, इस गेट की फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको अभी देखने को मिलेगी, और बाद में क्या है, गेट का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। कब, 1995 में, और गेट की स्थापना कब की गई, 1994 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, कि मतलब क्या रीजन था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। तो अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा नहीं तो कोई भी देश विकसित नहीं हो पाएगा, और ना ही ज्यादा काम धंधों को बढ़ा पाएगा। तो इसकी लाइंस आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद में जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार, मतलब क्या क्या ऐसे बेस हैं, या हम कह सकते हैं बेसिक्स बातें हैं जिनके बेस पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, मतलब आज भारत है तो भारत के अंदर अलग अलग तरह के खनिज मिलने चाहिए, अलग अलग तरह के हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, मतलब नई नई चीजें मिलने चाहिए। जितनी ज्यादा यहाँ पे भिन्नता होगी संसाधनों के अंदर, जितनी भी चीजें अलग अलग तरह की होगी, तो ही हम लोगों को वो चीजें बेच पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है, और धरातलीय विभिन्नताएं फसलों और पशुओं की विविधता को सुनिश्चित करती है, और पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। एक तरीके से हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी चीजों को फॉरेन के साथ बेच रहा है, यही नहीं होता अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये भी होता है
कि आपके देश के अंदर कुछ ऐसी जगह हो घूमने फिरने लायक जिसको हम पर्यटन के अंदर शामिल करते हैं। तो अगर बाहर के लोग हमारे देश में आके इन पैसे लगाते हैं या पैसों से कोई भी चीज करते हैं तो उसको भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। यह हमारा पहला पॉइंट, भौगोलिक संरचना का मतलब पता लग गया जिसके अंदर क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, अगर अपने पास खनिजों की भरपूर मार है तो हम खनिजों को बेच सकते हैं। तीसरा, अगर यहाँ पे जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप वन्य जात के प्रकार को प्रभावित किए बिना और वहां पे नई नई चीजों को उगा सकते हैं तो वो भी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वाली एरिया में जो सेब बनता है वो हमारे पूरे भारत के अंदर बिकता है। ठीक है, इस तरह से हम और भी देशों को बेच सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या कैसे कारक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर, तो इसके बीच में जैसे आकार और वितरण को प्रभावित करती है। इसके बीच में सबसे पहला सांस्कृतिक कारक, तो संस्कृति कैसे प्रभावित करती है, तो इसने बताया कि चीनी मिट्टी के बर्तन है जो वो, और जैसे ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं। अब होता क्या कि कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ चीजें फेमस होती है तो वो एक दूसरे देशों में बेचने लायक हो जाती है। जनसंख्या का आकार, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगी तो चीजें भी उतनी ज्यादा खरीदेंगे, उतनी ज्यादा उनको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, यूज करने को चाहिए। इसीलिए जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आर्थिक विकास की प्रवस्था, मतलब कि जितना देश विकसित होगा वहां पे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। विदेशी निवेश की सीमा, अब मान लो भारत है तो भारत के अंदर लोग सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान में इतना ज्यादा निवेश कर रहे हैं, अच्छा ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि इनके रेट आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं विदेशी निवेश की सीमा। उसके बाद में था परिवहन, तो परिवहन जो है उसके बारे में क्या लिखा है, परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय। अब ऐसा कोई भी देश जिसके पास परिवहन की सुविधा ना हो तो वो देश विकसित नहीं हो सकता, ना ही वो विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा। मतलब कि आपके पास जल परिवहन होना ही चाहिए, ठीक है, रेल परिवहन भी होना चाहिए, समुद्री परिवहन भी होना चाहिए, वायु परिवहन भी होना चाहिए, ताकि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सके। उसके बाद में आता है व्यापार का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है तोलना। तो व्यापार की गई वस्तुओं का तोल ही क्या कहलाता है, व्यापार का परिमाण कहलाता है। उसके बाद में व्यापार संयोजन क्या होता है, तो व्यापार संयोजन का मतलब अभी देख लेते हैं, देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं को, एक सेकेंड, आयातित व निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन, मतलब कि आज के टाइम में कितना हमने चीजों को खरीदा है, कितना बेचा है, और आने वाले टाइम में कितना हम खरीद रहे हैं, कितना हम बेच रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ पूरा का पूरा, इसके बीच में देखो 1955 के अंदर 95 हजार चीजों को अपनों ने खरीदा बेचा, 95 हजार को बेचा, निर्यात किया, आयात किया 99 हजार का, मतलब कि अपने ओवरऑल लॉस में है। उसके बाद में 1965 में अपनों ने 1,90,000 चीजों को बेचा और 1,99,000 को खरीदा, फिर से लॉस में है। तो ऐसे धीरे 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 जितना इसके बीच का गैप कम होगा ना उतना ज्यादा अपने को प्रॉफिट होगा। या अपने ये कह सकते हैं कि अगर अपनों ने आयात की हुई चीज सस्ती ली हो और निर्यात की चीज महंगी हो तो अपने को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो अपने को अभी पढ़ने को मिलेगा। व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा का यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। व्यापार संतुलन क्या होता है कि कोई भी देश है अगर चीजों को कम खरीदे और बेचे ज्यादा तो व्यापार क्या है, संतुलन रहेगा। तो व्यापार संतुलन के अंदर दो चीजें हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर आपने चीजों को सस्ता खरीदा है, ठीक है, चीजों को सस्ता खरीदा है और महंगा बेचा है, ध्यान रखना चीजों को सस्ता खरीदा और महंगा बेचा है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। ये तो होता है व्यापार का धनात्मक, यहाँ पे आपको लाइन भी देखने को मिलेगी, व्यापार का धनात्मक होता है ये लिखी हुई लाइन। उसके बाद में जैसे लिखा है ऋणात्मक कब होगा, जब आपने चीज खरीदी है महंगी और बेची है सस्ती, तो क्या होगा आपका, व्यापार ऋणात्मक होगा। ये दो लाइनें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, एक द्विपार्श्विक एक होता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक का मतलब होता है दो देशों के साथ, दो देशों के बीच। बहुपार्श्विक का मतलब होता है एक से ज्यादा देशों के बीच। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र एमएफएन की स्थिति प्रदान करता है। एमएफएन की फुल फॉर्म देख लेना थोड़ी सी।
मुक्त व्यापार स्थिति क्या होता है? मुक्त व्यापार स्थिति का मतलब है व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार कहलाता है। ठीक है, मुक्त व्यापार क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मतलब इसमें यह होता है कि कोई भी देश अपनी चीजों को सभी को बेचने को कह देता है कि तुमने कोई भी चीज खरीदनी है हमसे खरीद लो, हम तुमसे क्या है सीमा शुल्क नहीं लेंगे, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ये है। के बाद में डंप करना क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने देश की चीज को अन्य देशों को अलग अलग कीमतों पे बेचना क्या कहलाता है? डंप करना कहलाता है। ठीक है, ये लाइन पढ़ लेना। के बाद में जो अपना इम्पोर्टेंट है वो है विश्व व्यापार संगठन, तो इसके बीच में लिखा हुआ है गेट का गठन किया गया 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं से मुक्त करने के लिए कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड व टैरिफ का गठन किया। 1994 में सदस्य देशों के राष्ट्रों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था, और जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। ये लाइंस जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है 1948 के अंदर क्या है गठन कर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना 1948। ठीक है, और जब उसको चेंज किया गया तब कितने 1995। उसके बाद में और अगर आप देखें तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, तो ये जितने भी देशों के बीच में व्यापार होते हैं उनकी पूरी देख रेख करता है, या कोई भी उनके बीच के जो वाद विवाद है उनका निपटारा करता है, और नियम बनाए हुए हैं कि किस किस तरह से आप सामान को बेच सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, और दिसंबर 2005 में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, और भारत विश्व व्यापार संगठन से एक रहा है, मतलब कि भारत इसका सदस्य रहा है, नहीं रहा तो रहा है। ठीक है, प्रादेशिक व्यापार समूह का होता है कि एक ही देश के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर जो व्यापार होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक व्यापार समूह कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, तो किस तरह के मामले आते हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें वैसे कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, फिर भी आप छोड़ दें। पतन, पतन जो है इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को ले जाते हैं। पतन क्या होता है कि ऐसा स्थलीय क्षेत्र जहाँ पे जहाजी माल या यात्री जो है उनको विश्व के एक भाग से दूसरे भाग पे ले जाया जाता है, या पतन जहाज के लिए गोदी लादने उतारने और भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान। तो क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं वही चीजें आपके सामने देखने को मिल रही हैं। पतनों के प्रकार लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे पहला पतन है औद्योगिक पतन, मतलब कि जहाँ पे चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब खरीदा और बेचा जाता है, वो सारी चीजें आ गई औद्योगिक में। वाणिज्यिक पतन के अंदर क्या हो गया, जैसे कहीं पे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो वो आ जाता है वाणिज्यिक के अंदर। तीसरा विस्तृत पतन, विस्तृत पतन वो पतन जहाँ पे थोक में प्रबंध रखते हैं, मतलब कि बड़े बड़े कंटेनर्स जहाँ पे पड़े रहते हैं और थोक के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। अवस्थिति का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे ही कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अंतर्देशीय पतन होते हैं, ये समुद्र से एक नदी तथा नहर से जुड़े होते हैं। ये पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे की से ही गम्य होते हैं, जैसे मॉन्चेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है, मेम्फिस मिसिसिपी पर अब स्थित है। सीधी सी बात बताऊं कि जैसे भारत है तो भारत के बीच में अगर गंगा नदी जा रही है, ठीक है, अगर इस गंगा नदी के स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक अगर कोई और छोटा मोटा देश इसके साथ लग रहा है तो उसका अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ वो होता है अंतर्देशीय, मतलब एक देश के अंदर व्यापार करना। बाह्य पतन का मतलब ये होता है कि जैसे मुंबई से लेके जाऊँ मैं कोई चीज और अफ्रीका में भेज दूँ, उसको कहते हैं बाह्य पतन। ठीक है, इसके अलावा जैसे विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार, तो तेल पतन है जैसे मुंबई वाला है, वहाँ पे क्या है टैंकर होते हैं तो उसके बीच में सारे तेल को इकट्ठा किया जाता है और बाद में दूसरे देश। मार्ग पतन में देखो लाइन पढ़ा करो, मार्ग पतन में ये कह रहा है कि मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहाँ पे जहाज
जहाजों में पुनः ईंधन भरने, जल भरने या खाद्य सामग्री ले जाने के लिए लंगर डाला जाता है। मतलब कि लंगर डालने के लिए जो पतन होता है उसको कहते हैं मार्ग पतन। पैकेट स्टेशन क्या होता है, यहाँ पे फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने को जैसे अपने रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो अपने को सामान बेचने वाला कोई आता है ना, वैसे क्या है पैकेट स्टेशन होते हैं जो कि छोटी छोटी दूरी में पड़ते हैं और इनको सामान प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद में अंतरपोपतन, अंतरपोपतन क्या होता है, जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक अंतरपोपतन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंगापुर एशिया के लिए अंतरपोपतन है। नौसेना पतन, नौसेना पतन नौसेना के लिए होता है, जहाँ पे जहाजों को ये सेवाएं देते हैं, युद्धक जहाजों को सेवाएं, जबकि युद्ध होने की कभी स्थिति आती है वैसे पतन भी बनाए जाते हैं और वहां पे मरम्मत का कार्य करते हैं। और कोच्चि और कारवार जो पतन है वो भारत के अंदर ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कोई डाउट हो कमेंट से।